प्यारे बच्चों, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इस राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदया हमारे बीच में विराजमान हैं। साथ में हमारे बहुत ही आत्मीय और इस हमारे मिशन के फाउंडर के रूप में एक पिलर श्री शक्ति सिंह साहब गोहिल हमारे बीच में विद्यमान हैं। आप दोनों लोग के सम्मान में जबरदस्त ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अब मैं अपने साथी अरविंद भाई और हमारे फार्मर चीफ सेक्रेटरी यूपीएससी के मेंबर हमारे बड़े आत्मी प्रशांत कुमार मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि दोनों लोग मिलकर गवर्नर साहिबा के लिए, और एक मिनट, चार लड़की आएंगी, एक जूनागढ़ की, एक ध्रौल से, और ऐसे अलग अलग चार लड़की आएंगी, गवर्नर साहिबा के सम्मान करेंगी। सिर्फ चार, ज़्यादा नहीं, कोई भी चार लड़की आ सकती हैं। अब हम लोग के बीच में महामहिम साहिबा पधारेंगे और अपने विचार रखेंगे। आप लोग एक बार सम्मान में जबरदस्त ताली बजाकर सम्मान। सम्माननीय श्री शक्ति सिंह जी गोयल जी, नेता प्रतिपक्ष गुजरात विधानसभा, सम्माननीय स्वामी धर्मबंधु जी, संस्थापक श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट, आदरणीय प्रोफेसर प्रधान जी, आदरणीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी, सदस्य संघ लोक सेवा आयोग, आदरणीय श्री गौरव भास्कर जी, प्रतिनिधि हिंदुस्तान टाइम्स, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश सिंह जी, पूर्व महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, आदरणीय श्री निर्भय शर्मा जी, आदरणीय मेजर जनरल डीजी बख्शी जी, आदरणीय श्री कमांडर उदय भास्कर जी, आदरणीय स्वामी वेदानंद जी महाराज, आदरणीय श्री चंद प्रभात सिंह जी एमएलए सुल्तानपुर, और इस प्रांगण में उपस्थित हजारों हजारों की तादाद में भारत का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे, उपस्थित अतिथिगण, ट्रस्ट के सदस्यगण एवं शिविरार्थी, आज एक ये अनूठी आयोजन है। हालांकि एक ऐसा आयोजन पहले मैंने देखा है, उनसे बातचीत भी किया, लेकिन आज का जो आयोजन है ये बहुत बड़ा और बहुत ही संयत और बहुत ही अनुशासित जिस प्रकार से कायम है, ये अपने आप में हृदय के ऊपर बहुत अच्छा असर डालने वाला एक दृश्य है। जैसा अभी शक्ति सिंह जी कह रहे थे, भारत जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्र तो है ही, और बड़े राष्ट्र के साथ में सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है भारत, ये आज सारी दुनिया को पता है। तो जो इतना बड़ा प्रजातंत्र है, इतना बड़ा राष्ट्र है, और इतना बड़ा जो है युवा राष्ट्र है, और उसके जो ना आगे बढ़ने की तमन्नाएं भी उतनी ही युवा हैं, तो उस राष्ट्र के बच्चों में, उस राष्ट्र के युवाओं में कितनी शक्ति होगी कि वो राष्ट्र को एक महान राष्ट्र के रूप में बनाए रखेंगे। और स्वामी जी ने जो महायज्ञ शुरू किया है, वो अपने आप में उस युवा शक्ति को, उस युवा राष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा सिंचन करने वाला कार्यक्रम है। मैं उनके चरणों में स्पर्श करते हुए उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व की भावना को दृढ़ बनाने हेतु श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट द्वारा युवाओं के लिए शिविर का जो आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी धर्मबंधु जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। गत वर्ष आयोजित किए गए शिविर में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला था, और शिविरार्थियों के समक्ष अपने विचार रखने का भी मौका मिला था।
आज ये शिविर युवा मन को राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में आकार देने के लिए आयोजित किया गया है। वास्तव में इस प्रकार के शिविर के आयोजन से युवाओं को मन, वचन और कर्म से एक आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और वे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में बहुमूल्य योगदान करने के लिए प्रेरित होते हैं। वैदिक मिशन ट्रस्ट द्वारा युवाओं को देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आज के समय की मांग है। वास्तव में हमारी युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में प्रमुख शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। मैं युवाओं को बताना चाहती हूं कि आपका ये समय बहुत ही मूल्यवान है। आपका ये समय बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि ये आपको सब कुछ सीखने का समय है, जो आगे जाकर के आपके जीवन में काम आएगा। ये समय यूं ही व्यर्थ चला गया तो आने वाला समय भी आपको ये दौलत लौटा के नहीं दे सकता। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके जीवन का ये अंश, आपके जीवन का ये जो है ठहराव, अपने आप में बहुत मूल्यवान है। इसमें जितना जो कुछ सीख सकते हो सीखने की कोशिश करो, और जितना जो कुछ पा सकते हो पाने की कोशिश करो। पाने का मतलब कोई धन अर्थ पाने का सवाल नहीं है, लेकिन ज्ञान है, शक्ति है, स्पर्धा है, जो कुछ भी है वो इस पीरियड के अंदर आपको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, और यही शक्ति आगे जाकर आपको अपने भविष्य के जीवन में बहुत सार्थक परिणाम देने वाली होगी। मैं युवाओं को बताना चाहती हूँ कि आपका यह समय बहुत ही मूल्यवान है। आपकी खुशी, सफलता, सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब आपके ये आज के जो प्रयास हैं, आज की जो शिक्षा दीक्षा है, आज का जो आपका अभ्यास है, इसके ऊपर निर्भर है। आपको अपने बुद्धि शक्ति, कुशलता एवं निष्ठा से अपने जीवन को ढालना होगा, जिससे आप एक आदर्श एवं विवेकशील नागरिक के रूप में उभर कर देश एवं समाज के प्रति अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा सकें। युवा पीढ़ी हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य की निर्माता है, ये कहने की बात नहीं है, वास्तविकता है। आज आप जो बच्चे यहाँ पर हैं या किशोर अवस्था के लोग हैं, उन सबको मालूम होना चाहिए कि भावी भारत आप हैं। अगर भावी भारत आप हैं तो आपको कैसा होना है? भारत अपने आप में एक विशाल देश ही नहीं है, बल्कि एक महान देश भी है, एक बहुत बड़ा जो है ना यशस्वी देश है। उस देश के नागरिक को कैसा होना है, ये आज आपको सोच के काम करने की ज़रूरत है। हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी खास तौर पर हमारे देश के उज्जवल भविष्य की निर्माता है। आज यहाँ एकत्रित युवाओं में हमारी पारंपरिक एवं राष्ट्रीय भावना, समरसता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक आस्थाएं एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन की भावना ही ये हमारी अलग से पहचान बनाती है। मुझे विश्वास है कि ऐसे शिविर में युवाओं में नैतिक मूल्यों और गुणों का संचयन करेंगे, जिससे उनका जीवन सार्थक बनेगा और अपने कार्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ वे एक सुंदर समाज और एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए सजग भी हो सकेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि जैसे महान नेताओं के संघर्ष, और शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनेक अनेक राष्ट्रभक्तों जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस राष्ट्र की आज़ादी प्राप्त की। हमारा देश एक तरफ प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक समस्याएं भी दस्तक दे रही हैं। हमें राष्ट्र की प्रगति में अपना सहयोग देना है, साथ ही हमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करना है। आज हमारे देश का आर्थिक विकास, वैज्ञानिक उन्नति, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है।
इतना बड़ा राष्ट्र, इतनी बड़ी जनसंख्या, और गर्व की बात यह है कि यह सबसे अधिक युवा राष्ट्र है, लेकिन साथ ही आर्थिक विकास, वैज्ञानिक उन्नति और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अंदर भी हम पीछे नहीं हैं, हम आगे हैं। विश्व में एक विशिष्ट पहचान है हमारी, किंतु गरीबी, कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी आदि अनेक ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो हमारे विकास में अवरोधक हैं। हमें साथ मिलकर इन समस्याओं को समाज से मिटाना है। ऐसी समस्याओं का समाधान और हमारे युवा धन को सही दिशा में ले जाने के इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करना बहुत ही बड़ी, बहुत ही जन अहम आवश्यकता हो जाती है। अतः मैं स्वामी धर्मबंधु जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की है, और मुझे आशा है कि भविष्य में भी इसको आप आगे बढ़ाते रहेंगे। आज वैश्वीकरण के युग में जब लोग अपने संस्कृति और आदर्श मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति का ज्ञान एवं उसका संवर्धन अपने आप में एक बहुत उपयोगी आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस शिविर में सम्मिलित होने से शिविरार्थियों के जीवन में एक नई चेतना का संचार होगा, जिससे वे राष्ट्रीय एकता, सद्भावना एवं बंधुत्व का प्रेरक संदेश समाज में फैला सकेंगे और राष्ट्र को विकास के पथ पर गतिमान बनाने हेतु अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। अंत में मैं सभी शिविरार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं और आयोजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिंद।